नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे लघु कथा। लघु कथा किसे कहते हैं? लघु कथा शब्द संभवतः अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी शब्द का अनुवाद है, मतलब जिसे हम हिंदी में लघु कथा कहते हैं उसे ही अंग्रेजी में कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी। वैसे कहानी शब्द भी, ये जो कहानी शब्द है यह भी अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के लिए ही प्रयुक्त होता है। मतलब अंग्रेजी में जिसे हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं उसे हिंदी में लघु कथा भी कहते हैं, उसे हिंदी में कहानी भी कहते हैं। लघु कथा और कहानी में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर होता भी नहीं है। मतलब कहानी के जो तत्व होते हैं वही लघु कथा के भी तत्व होते हैं। अब कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं इसका मैं अगले जब एपिसोड बनाऊंगा उस पर मैं चर्चा करूंगा कहानी के तत्व। तो लघु कथा और कहानी के जो तत्व होते हैं वे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से लघु कथा कहानी के छोटे रूप को अभिव्यक्त करती है। मतलब कहानी का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन लघु कथा का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में लघु कथाओं की परंपरा बहुत पुरानी है। पुरानी लघु कथाएं वस्तुतः दृष्टांतों के रूप में विकसित हुई हैं। दृष्टांत मतलब जैसे छोटे बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाते हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, उसके उदाहरण के माध्यम से हम उन्हें बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसे दृष्टांत मुख्यतः नैतिक और धार्मिक क्षेत्रों में मिलते हैं। मतलब इस प्रकार के जो छोटी छोटी लघु कथाएं हैं वह नैतिक कहानियों के रूप में या फिर धार्मिक क्षेत्र में, पौराणिक क्षेत्रों में इस प्रकार की कहानियां पाई जाती हैं। नैतिक दृष्टांतों को प्रकट करने वाली नैतिक लघु कथाएं सर्वत्र मिलती है। जो नैतिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने वाली, नैतिक दृष्टिकोण को समझाने वाली जो कहानियां होती हैं प्रायः सभी धर्मों में और सभी देशों में पाई जाती हैं। इनके माध्यम से हम कहानी के माध्यम से छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं या लोगों को समझाते हैं कि नैतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से क्या सही है और क्या गलत। जैसे पंचतंत्र की कथाएं, महाभारत, बाइबिल, जातक आदि की कथाएं। जैसे बाइबिल की कहानियां हैं, महाभारत की कहानियां हैं या फिर जो जातक कथाएं हैं वे इसी प्रकार की कहानियां हैं जिन्हें हम लघु कथा कह सकते हैं। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टांतों के अंतर्गत भी लघु कथाओं के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे हम महाभारत भी पढ़ते हैं तो हमको छोटी छोटी कहानियां मिलती हैं जिसके आधार पर पंचतंत्र है, हितोपदेश है, इनके अंतर्गत छोटी छोटी कहानियां हैं जिनके माध्यम से हमको यह पता चलता है कि नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही है और क्या गलत है। इसे ही कहा जाता है लघु कथा अथवा शॉर्ट स्टोरी। आधुनिक कहानी के संदर्भ में लघु कथा का अपना स्वतंत्र महत्व एवं अस्तित्व है। बड़े बड़े कहानीकारों ने, बड़े बड़े उपन्यासकारों ने भी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद से लेकर जयशंकर प्रसाद तक और जैनेन्द्र से लेकर अज्ञेय तक इस धारा की एक समृद्ध परंपरा है। मतलब इतने बड़े बड़े जो लेखक हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं, इन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं जिन्हें हम लघु कथा कहते हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी कला के उत्कर्ष काल में लघु कथाओं के रूप में कहानियां लिखी हैं। मतलब प्रेमचंद जिस समय लेखन कार्य कर रहे थे उनकी जो कहानियां हैं जैसे कफन वगैरह है, तो जो चरम स्थिति में जब थे वे अपनी कहानी कला के शीर्ष पर थे तब उन्होंने लघु कथाओं के रूप में कहानियां लिखी हैं, जैसे कि नशा, मनोवृत्ति, जादू, दो सखियां आदि कहानियां इसी कोटि की हैं। और इन्हीं लेखकों की श्रेणी में जयशंकर प्रसाद इस क्षेत्र में अद्वितीय हैं। छाया और प्रतिध्वनि जो इनके कहानी संग्रह हैं, इनमें अघोरी का मोह, गुदड़ी के लाल, करुणा की विजय, प्रलय प्रतिभा, दुखिया, कलावती की शिक्षा आदि लघु कथाओं के सुंदर उदाहरण हैं। इन लघु कथाओं में गद्य गीत और रेखा चित्र के शिल्प का आभास होता है। जब हम इन लघु कथाओं को पढ़ते हैं तो इनकी भाषा इतनी सुंदर है कि हमें काव्य की भाषा का बोध होता है और रेखा चित्र लिखने की जो शैली है उस शिल्प का भी आभास हमें होता है। इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इन कहानियों को लिखा है जिसे हम कहते हैं लघु कथाएं। जीवन की उत्तरोत्तर द्रुतगामिता और संघर्ष के फलस्वरूप समिया भाव ने अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता को अनिवार्य बना दिया है और कहानी के क्षेत्र में लघु कथाओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। आज हमारी जिंदगी पहले की अपेक्षा बहुत तेज हो गई है। मतलब हमारे पास समय का बहुत अभाव रहता है, हम कोई भी कहानी को तुरंत पढ़कर खत्म कर देना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में लघु कथाओं का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है और लघु कथाओं को समय भाव ने बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। हम तुरंत ही किसी कहानी को पढ़कर उसका आनंद उठा लेना चाहते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच जाना चाहते हैं। रचना दृष्टि से लघु कथाओं में भावनाओं का उतना महत्व नहीं होता है जितना किसी सत्य अथवा किसी विचार की प्रस्तुति का। तो जो लघु कथाएं होती हैं वास्तव में उसमें भावनाओं को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता बल्कि किसी विचार या किसी दृष्टिकोण को पाठक तक पहुंचाने का ही
प्रयास किया जाता है, किसी विचार को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। लघु कथाओं में जीवन के किसी गूढ़ अंतर्वर्ती सत्य, मतलब जिंदगी की जो अंदरूनी सच्चाई है, संदेश है, विचार है या अनुभूति को छोटी सी साधारण प्रतीत होने वाली कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन कथाओं में कथा के ऊपरी आवरण के भीतर सत्य का बोध या साक्षात्कार ही अंतर्निहित होता है। तो इन कहानियों के माध्यम से जो हमारे जीवन के जटिल सत्य हैं, जो हमारे जीवन के व्यापक जो सत्य हैं, मतलब इन सभी चीजों को, जो जिंदगी का सत्य है, जो सच है, उसका बोध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब ये कथाएं देखने में बहुत ही छोटी प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके द्वारा जो संदेश दिया जाता है, जिस सत्य को परिलक्षित किया जाता है, वह वास्तव में बहुत ही गहन होता है। विचारों की अनुभूति बहुत ही गहन होती है। हिंदी की लघु कथाओं में जो प्रमुख लेखक हैं, उनमें कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर कृत आकाश के तारे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत आकाश के तारे, धरती के फूल, रावी कृत, मेरे कथा गुरु का कहना है, जगदीश चंद्र माथुर कृत मौत की खोज, उड़ते पंख, लक्ष्मी चंद्र जैन कृत कागज की किश्तियां आदि उल्लेखनीय है। लघु कथाओं में प्रतीकात्मकता और रहस्यमयता का पुट भी होता है और यथार्थ बोध को भी व्यंग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन को जब आप पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो समाज का जो वास्तविक, जो समाज में जो वास्तविक स्थिति है, उसका प्रतीकात्मक रूप से कफन के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसमें रहस्यमयता का भी पुट होता है, हमको रहस्यमय कई बार कहानियां प्रतीत होती हैं, और इसमें यथार्थ बोध, यथार्थ बोध मतलब जीवन का जो यथार्थ है, उसे भी व्यंग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आज अन्य नवीन गद्य विधाओं जैसे कि संस्मरण, गद्य की कई अन्य विधाएं हैं जो आजकल लिखी जा रही हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टार्ज आदि की तुलना में लघु कथाएं बहुत कम लिखी जा रही हैं। वास्तव में वर्तमान समय में जो लघु कथाएं हैं बहुत कम लिखी जा रही हैं, और संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टार्ज आदि ज्यादा मात्रा में लिखी जा रही हैं। फिर भी रामनारायण उपाध्याय कृत नाग का सवाल और हरिशंकर परसाई कृत लघु कथाओं के संग्रह रचनावली 1985 के प्रकाशन से यह विधा समृद्ध हुई है। हरिशंकर परसाई की लघु कथाएं हरिशंकर परसाई रचनावली 1985 में प्रकाशित हुई हैं। इनके माध्यम से लघु कथाओं की जो विधा है यह समृद्ध हुई है। रामनारायण उपाध्याय ने व्यंग्यात्मक शैली में लघु कथा चित्रों के माध्यम से सामाजिक, नैतिक और मूल्यन का पर्दाफाश किया है। रामनारायण उपाध्याय नाम के जो लेखक हैं, उन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्य जो गिरते जा रहे हैं समाज में, उसका वर्णन अपने लघु कथाओं के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान की है। जो हरिशंकर परसाई हैं, वे तो व्यंग्यात्मक लघु कथा लेखन में बेजोड़ हैं। मतलब लघु हरिशंकर परसाई भारत के सबसे बड़े व्यंग लेखक हैं, और लघु कथा लेखन में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वे अद्वितीय हैं। वे जीवन के किसी संदर्भ विशेष को लेकर व्यंग्य कथा के माध्यम से समाज के यथार्थ का प्रामाणिक चित्र अंकित कर देते हैं। मतलब जीवन की एक छोटी सी घटना को ले लेते हैं और उसके बाद उसमें व्यंग कथा के माध्यम से समाज की जो यथार्थ है, समाज की जो सच्चाई है, उसका चित्र हमारे सामने अंकित कर देते हैं। परंपरागत लोक कथा शैली में भी वे व्यंग कथा लिखने में माहिर हैं। जो मतलब लोक कथा की जो पारंपरिक शैली है हमारे भारत में, कहानी सुनाने की, नरेशन की जो परंपरा है, उसी रूप में भी वे व्यंग कथा लिखने में अत्यंत माहिर हैं, सिद्धस्त हैं। अपनी व्यंग्यात्मक लघु कथाओं में उन्होंने कभी कभी डायरी शैली का भी प्रयोग किया है। मतलब कभी कभी उन्होंने डायरी के रूप में भी अपने व्यंग्यात्मक लघु कथाओं को लिखा है। जैसे डायरी लिखते हैं, इतने तारीख को इतने बजकर इतने सेकंड में, यह सब। विष्णु प्रभाकर ने भी कुछ लघु कथाएं लिखी हैं, उनकी कथाएं नैतिक भावबोध की कथाएं कही जा सकती है। विष्णु प्रभाकर नाम का भी बहुत बड़े राइटर हुए हैं, जिन्होंने आवारा मसीहा उपन्यास लिखा है, इन्होंने भी कई लघु कथाएं लिखी हैं, और उनकी जो लघु कथाएं हैं उनको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि नैतिक दृष्टिकोण से वे हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, इसलिए इनकी जो लघु कथाएं हैं इन्हें नैतिक भावबोध की कथाएं कही जा सकती है। तो इस प्रकार मैंने लघु कथा को आपको समझाने का विनम्र प्रयास किया है। मेरा आज का यह एपिसोड कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।